कृषि बाघ ने फिर एक किसान के लिए जान। लाखांदो तहसील के कन्हार गांव की घटना। वन विभाग बना मुख्य दर्शक। नौ दिन पहले झील पर मछली पकड़ने गए एक युवक पर इंदौरा के जंगल में सिटी वन नामक के एक पट्टेदार बाघ ने हमला किया और उसे मार डालने की घटना को लोग भूल नहीं पाए थे कि एक और घटना शुक्रवार की सुबह लाखांदो तहसील के कन्हार गांव में घटी, जिसमें एक किसान फिर से बाघ का शिकार हो गया। मृतक किसान का नाम तेजराम बकाराम कार है, तो वही प्रत्यक्षदर्शी प्रहलाद शालिक प्रधान यह पेड़ पे चढ़ने से उसकी जान बच गई। भंडारा जिले के लाखांदो वन मंडल के पुयान आर बीट अंतर्गत कन्हार गांव के तेजराम कार और प्रहलाद प्रधान दोनों आज सुबह तेजराम कार के खेत में धान की फसल का निरीक्षण करने गए थे। इस समय फसल का निरीक्षण करने के बाद प्रधान बकरियों के लिए पेड़ की शाखा काटने गए और झाड़ियों में छिपे एक पट्टेदार बाघ सिटी वन ने हमला कर दिया। जैसे उसने देखा कि बाघ हमला कर रहा है तो प्रहलाद प्रधान तुरंत पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन तेजराम कार बाघ के चंगुल में फंस गया। प्रत्यक्षदर्शी प्रहलाद प्रधान ने कहा कि बाघ ने तेजराम की गर्दन पकड़ ली और उसी जगह पर बैठ गया। उसके बाद प्रहलाद प्रधान डर गया जब उन्होंने यह भयानक दृश्य देखा और अपने मोबाइल फोन से ग्रामीणों को जानकारी दी। बाघ के हमले में तेजराम की मौत की खबर हवा की तरह फैल गई। गांव और आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों पुरुष और महिलाएं जंगल की ओर दौड़े। वन विभाग को घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी व कर्मचारी और लाखांदो पुलिस मौके पर पहुंच गई। प्रहलाद शालिक प्रधान आणि शेतकऱ्याचं नाव आहे तेजराम बकाराम कार। त्यांना मला चल म्हणलं शेतावर, आम्ही गेलो दोघंही। गेल्यानंतर धान पाहिलो आम्ही आणि पाहिल्यानंतर उभं राहिलो आणि तिथून आलो वाघ आला तिकडून चुपचापच आला आणि पट्टेवाला आणि त्यांना धरला आणि मी झाडावर रेंगलो। झाडावर रेंगल्यानंतर त्यांना वन आला तिकडं आणि त्याला खड्ड्या मोडला। खड्ड्या मोडल्यानंतर मी लवलं झाडावून आणि परत आलो सडक सडक कर आणि मी आवाज मारलो। मग ते लोक जमले, त्यांना पाणी की पाजला मला आणि शांत राहिले आणि फोन लावला गावात आणि लोक आले। मग तिकडे गेलो आम्ही। वन कर्मचारी ने तेजराम के शव को बाहर निकालने के बाद मृतक के परिजनों व ग्रामीणों ने शर्त रखी थी कि जब तक वरिष्ठ अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचेंगे तब तक शव को नहीं उठाने देंगे। अगर बाघ दोबारा हमला करता है और शिकार करता है तो सरकार के साथ साथ वन कर्मचारी के खिलाफ भी हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। तेजराम कार के निधन से गाँव में मातम छाया है। सिटी वन इस बाघ का यह 13वां शिकार है और यह नरभक्षी बाघ चार भट्टी जंगल में स्थित है। वन विभाग के अधिकारी एक सप्ताह से उक्त बाघ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाघ हमले पर हमला करता जा रहा है और वन विभाग मुख्य दर्शक बना हुआ है।